पंजाब से खबर है, जहां चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। चरणजीत चन्नी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। कांग्रेस का दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी है और कैप्टन सरकार में मंत्री भी चरणजीत रह चुके हैं। तो सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म मोहिंद्रा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। चरणजीत चन्नी आज सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। तो बता दें, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे और कांग्रेस के दलित चेहरे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। तो बता दें, पंजाब में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई घंटों की माथापच्ची के बाद रविवार शाम को चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आया और राज्य के अगले मुख्यमंत्री वे होंगे। पंजाब में कांग्रेस ने नए सीएम का फैसला करके सबको चौंका दिया है। कलह के बीच सिद्धू और कैप्टन दोनों को अलग कर हाईकमान ने दलित को कमान सौंप दी है। चरणजीत सिंह चन्नी आज शपथ लेंगे, लेकिन चन्नी का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। कहीं कांग्रेस को अपने फैसले पर पछताना ना पड़ जाए। देखिए ये रिपोर्ट। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में मुख्यमंत्री बदल ही दिया। हाईकमान ने दलित चेहरे रणजीत सिंह चन्नी पर दांव खेला है। चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी माने जाते हैं। वे नवजोत सिंह सिद्धू के ज्यादा करीबी नहीं हैं। समानता इतनी है कि दोनों अमरिंदर सिंह के विरोधी हैं। अमरिंदर सिंह आउट और चन्नी इन के बाद कहा जा रहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन बिग बॉस तो नवजोत सिंह सिद्धू ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी दे सारे MLA साहब ने जो फैसला सर्वसम्मति नाल लिया है, उस बारे आज ऐसी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश कीता है। 11 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी, उस तो ओथ लैण तो बाद ऐसी साडे पार्टी दे प्रधान साडे लीडर साहिबान तुहानू सारिआं नू संबोधन करनगे। 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। चन्नी को कांग्रेस ने दलित चेहरे के तौर पर उतारकर सबको भले ही चौंका दिया हो, लेकिन चन्नी का विवादों से पुराना नाता रहा है। मंत्री रहते चन्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसने अमरिंदर सिंह सरकार की बड़ी किरकिरी कराई थी। इस वीडियो में चन्नी दो अफसरों के तबादले के लिए सिक्का उछालते नजर आ रहे थे। एक IAS अफसर को गलत मैसेज भेजने और घर के लॉन में हाथी की सवारी करने को लेकर भी वे विवादों में रहे हैं। पंजाब की कलह को थामने कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री बदलकर एक फैसले से कई मुद्दों को साधने की कोशिश की है। पहला, पंजाब को दलित चेहरा दिया है। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही वर्चस्व की जंग को रोकने की कोशिश की है। तीसरा, आने वाले विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को साधने की भी ये कोशिश है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने CM बदलने का यह फैसला BJP की तर्ज पर लिया है, लेकिन सवाल भी ये उठ रहे हैं कि क्या BJP की तरह कांग्रेस ऐसे फैसलों को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है? क्या अमरिंदर सिंह को आने वाले दिनों में कांग्रेस संभाल पाएगी? कहीं कांग्रेस को यह फैसला भारी तो नहीं पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल।